हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे थे, पॉलीनोमियल चैप्टर नंबर सेकंड, फर्स्ट हमने ख़त्म कर दिया था। चैप्टर नंबर सेकंड पॉलीनोमियल बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल एनालाइज कर करके एक एक बात को समझा है। कॉन्सेप्ट में क्या था, हम लोगों ने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है ना, और क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो आइए आज उसी का एप्लीकेशन करते हैं। जिसमें लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा, क्या था जिसमें लोगों ने पढ़ा था, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना। ग्लिम्स क्या था, समझिए, मैंने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे, यानी कितने वैल्यू, कितनी वैल्यूज होंगी एक्स की, दो वैल्यूज। तो हमने बोला था एक वैल्यू सपोज दैट अल्फा, दूसरी वैल्यू कितनी है, बीटा है। तो हमने आपको बताया था रिलेशनशिप आपको अगर फाइंड आउट करना है जीरोज के बीच में, तो आप क्या करते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों, अब सिंपल सी बात है। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद हमने आपको बताया था क्या एक और होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, सी अपॉन ए। गॉट इट, आइए शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज, आपको सारी बातें बिल्कुल समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। देखिए अब देखते हैं कहानी बड़ा। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, समझ के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग दैट फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है, उसके बाद उनके बीच रिलेशनशिप स्थापित करना है। ठीक है, अब समझो तो क्या है, अब समझना। पहला बोल रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब मैं आपको पहला वाला बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूँ। अब आप इसको अच्छे समझिए ताकि आप दूसरे क्वेश्चन से, आप क्वेश्चंस खुद से कर पाएँ। ठीक है, अब समझिए। तो सबसे पहले आपको जीरोज़ निकालना है। मैंने आपको बताया था जीरोज़ बोले, वैल्यू ऑफ एक्स बोले, है ना, रूट्स बोलें, सबका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, काम आएगा भी। देखिए कहानी क्या है, अब देखो बेटा एट है यहाँ पे ना, चलो जीरोज निकालते हैं इसके, है ना। तो एक काम करते हैं, ये एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बना देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, जब इक्वल टू जीरो लगा देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, इक्वेशन। आइए हम लोग बातचीत करके चलते हैं। देखो बेटा वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, वन है, वन का मल्टीप्लाई एट में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एट। अब एट को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो एट मिले, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिल जाए, टू। तो आप कहेंगे सर केवल दो ही नंबर है, वो क्या है, तो आप क्या कहेंगे, फोर और एट। क्या है, फोर और टू, ठीक है, फोर टू या क्या होता है बेटा, एट, और फोर में से टू माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, टू। कहोगे अरे वाह सर, आप तो अंतर्यामी निकले। हमने कहा बिल्कुल नहीं। कहोगे सर ये तो छोटा नंबर है, तो आपने बता दिया, बड़ा नंबर मिल जाएगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए तरीका मैंने आपको कई बार समझाया है, अब भी समझा रहा हूँ। क्या करोगे, चुपचाप एट का क्या निकालिए, एलसीएम, दो से चार बार में, दो से दो बार में, दो से एक बार में। अब आप इसी में खिचड़ी पकाओ, कैसे खिचड़ी पकाओगे, देखो टू टू जा फोर, अब बचा कितना, टू, तो फोर और टू बन गया ना रिलेशन, तो फोर में से टू गया, क्या होता है, टू, खत्म बात। तो जितना भी बड़ा नंबर रहेगा आप इसको निकाल सकते हैं, गॉट इट। चलिए तो बच्चा पार्टी यहां पे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, बात समझ गए, ये हमने कर दिया। देखो भाई फोर में से टू गया क्या होता है, फोर, सॉरी टू, अब फोर टू गया क्या होता है, एट। चलो भाई बाहर देखो कौन लगा है, माइनस, अंदर बहुत सावधानी से एंटर करना है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इधर से x का मल्टीप्लाई, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू शून्य, बात समझ गए। अब देखो बच्चा, अब देखो दो दो का पेयर बना लो, दो दो का पेयर बन गया, तो अब आप मुझे जरा बताइए, दो दो का पेयर बन गया तो इनमें से कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो आप कहोगे सर केवल x कॉमन दिख रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही, तो क्या बचेगा, x माइनस फोर, फिर यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस टू कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे सर x माइनस फोर, बिल्कुल सही। और आपको मैंने एक बहुत तरकीब बताई थी बहुत अच्छे से कि देखिए अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ मिल गई तब आप बोलेंगे कि बिल्कुल क्या है, सही है, अदरवाइज नहीं मिला तो आपने जो भी किया है वो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चा पार्टी चलते हैं, समझते हैं हम लोग आगे की बातें। चलो तो x माइनस फोर एक ब्रैकेट में, फिर x प्लस टू एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या लिख देंगे, शून्य। अब बेटा दोनों मल्टीप्लाई में दोनों किसके इक्वल होंगे, जीरो के। तो x माइनस फोर इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। x प्लस टू इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। ठीक है, चलो अब हम लोग बातचीत करते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। समझ गए, पहला आंसर हमने ला दिया कि जीरोज निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों, जीरोज निकाल लिया। अब आपको पता है एक बात अच्छे से, अब इनके बीच में हम लोग क्या निकालने वाले हैं बेटा, रिलेशन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, रिलेशन, यानी संबंध किसके किसके बीच, इन जीरोज के बीच और कोफिशियंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होगे तो यही है आपका अल्फा, यही है आपका बीटा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, वेरीफाई करते हैं रिलेशन कि सही है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, आओ वेरीफिकेशन करते हैं हम लोग, वेरीफिकेशन। अब समझिए, वेरीफिकेशन में आप करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब समझो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी होगी, तो जो यहां पर लिखा है। आप यहां पे कहेंगे सर लिख लेते हैं फिर, देखो मैं यहां साइड में लिख देता हूं। देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी, वन, बी की वैल्यू माइनस टू, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एट। साइन के साथ लेते हैं कोफिशियंट, क्या लेते हैं बच्चों, साइन के साथ, यही है इनका कोफिशियंट जो हमने यहां लिख रखा है। तो इसी को बोलते हैं रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशियंट एंड जीरोज। चलो अल्फा प्लस बीटा यानी फोर प्लस माइनस टू इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, वन। तो देखो बेटा, फोर प्लस माइनस माइनस, फोर माइनस टू इक्वल्स टू टू, तो टू इक्वल्स टू टू, हो गया वेरीफाई। बोलो वेरीफिकेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, कहोगे सर प्रोडक्ट भी करके दिखा दो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। चलो अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ, फोर, बीटा की वैल्यू कितनी है, टू माइनस टू, तो फोर इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू माइनस एट और ए की वैल्यू कितनी है, वन। देख लो भाई, अब फोर इंटू टू क्या हो जाएगा, एट, तो हो गया माइनस एट इक्वल्स टू माइनस एट, हो गया ना वेरीफिकेशन। देख लो वेरीफाई हो गया रिलेशन, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होता है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको, क्योंकि अगले क्वेश्चन पे एक और मैं कर देता हूं ताकि आपको एक बार और थोड़ा सा जो भी कमियां रह गई होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। सेकंड नंबर इज सेइंग दैट, सेकंड नंबर क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, पहले का सेकंड क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। आओ भाई देख लेते हैं क्या है कहानी। देखो ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चा पार्टी, इसको बदलते हैं इक्वेशन में। क्या बदलते हैं, इक्वेशन में बदलते हैं। तो इक्वेशन में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब कहानी क्या हो जाएगी, देखिए वही कहानी बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 बन जा 4, ब्रेक करो भाई दो पार्ट में कि मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करे तो क्या हो जाए, 4। तो कहोगे सर केवल दो ही नंबर पॉसिबल है, वो कौन है, 2 और 2। 2 और 2 क्या होता है, 4, दो दुनाई क्या होता है, 4। तो देखो बच्चा पार्टी, 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस फिर हो जाएगा 2s प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी देखो, इन दोनों पद में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2s कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1। अब देखो सेम चीज हमें दूसरे ब्रैकेट में भी लानी है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब देखो कहानी क्या होने वाली है, दोनों में सेम, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो आप क्या देख पा रहे हैं, इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चा पार्टी, 0 के इक्वल, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0,
2s minus 1 is equals to 0. तो 2s is equals to 1, 2s is equals to 1. 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो s is equals to 1 upon 2, s is equals to 1 upon 2. ये हो गई आपकी क्या कहानी. तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने ये देखा कि इसमें हमने क्या निकाल लिया, जीरोस निकाल लिया. ठीक है, अब हम निकालते हैं वेरिफिकेशन. कैसे वेरिफिकेशन करेंगे आप ध्यान से देखिए. तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर देते हैं. वेरिफिकेशन देखिए बहुत आसान है वेरीफाई करना. आप क्या करेंगे बच्चा पार्टी, ए की वैल्यू क्या कितनी है बताओ, 4. बी की वैल्यू कितनी है -4. सी की वैल्यू कितनी है 1. चलो भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. चलो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2. बी की वैल्यू कितनी है -4, -4 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 4. ठीक है चलो भाई रखो, देखो आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस कट किए हो जाएगा 1, तो ये भी आ गया 1. समझ गए, हो गया वेरीफाई. अब आप इस तरीके से क्या करेंगे बच्चा पार्टी, आगे भी करेंगे. कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट सी अपॉन ए. तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2. सी की वैल्यू कितनी है 1, देख लो भाई कितनी है 1, और ए की वैल्यू कितनी है 4. तो अच्छा इसकी 2 है ना, तो यहाँ पे हो गया 1/4 इक्वल्स टू 1/4. लो ये भी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया. क्या हो गया बच्चों, आपस में इक्वल हो गया. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन भी करते हैं. ठीक है, तो अब आप इसके आई होप आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. अभी मैं चेक कर लेता हूँ जो आपको हो सकता है टफनेस आपको लगे उसमें, वो मैं कर देता हूँ. बाकी के आप इसके इस टाइप के क्वेश्चंस होमवर्क. ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके देखिए सेकेंड फर्स्ट सेकेंड की बातचीत कर ली, अब हम बातचीत करेंगे देखो थर्ड नंबर आपका होमवर्क, क्योंकि थर्ड भी इसी तरीके से है. अब मैं जा रहा हूँ अगला करने. ठीक है ना, ध्यान से देखिए पहले का थर्ड आपको खुद से करना है, इसी तरीके से है. चलो भाई देख लेते हैं. तो देखो थर्ड नंबर आप खुद से कर लेंगे, मैं जा रहा हूँ फोर्थ बताने. फोर्थ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट कुछ बच्चे कर भी लेंगे. 4u² + 8u, ठीक है +8u. देखो बच्चा पार्टी अब ये भी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही, इसको इसमें भी दो वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि u एक ही वेरिएबल है यहाँ पे. तो आइए बातचीत करते हैं, इसको बदल दीजिए किसमें, इक्वेशन में. तो 4u² + 8u इज इक्वल टू 0. 4u क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे u + 2 इक्वल टू 0. ठीक है, अब 4u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0, तो u की वैल्यू क्या हो गई 0. और दूसरा वाला u + 2 इज इक्वल टू कितना है 0, और u इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, क्योंकि ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा और ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. ठीक है ना, चलो यानी दो रूट्स आ गए आंसर. अब वेरिफिकेशन देख लेते बेटा. वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन में क्या करना होता है सबको पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a. तो पहले देखो यहां से देखा जाए तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8, और c की वैल्यू कितनी है 0. ठीक है, ये c वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट वाला. ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है. तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 + -2 और इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 × 2 = 8, यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू -2. ये देखिए वेरीफाई हो गया. इस तरीके से आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है. देखिए कोई भी टर्म दिया हो चाहे ना दिया हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना. जो टर्म डिसअपीयर है, जो टर्म नहीं दिया है, चुपचाप से आप क्या करिए, उसको जीरो लेट कर लीजिए. ठीक है, जीरो होता ही है वो. ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए. चलो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू है 0 अपॉन में ए की वैल्यू है 4. तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा इन दोनों का बताओ, 0 हो जाएगा, 0 = 0. ये भी लो वेरीफाई हो गया. समझ पाए बात को, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को डन करना होता है. ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलिए फिफ्थ नंबर भी कर देता हूं मैं, सिक्स नंबर फिर आपका होमवर्क. सारे कर दिए मैंने, बस आपको दो ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है. ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिफ्थ करने, बाकी सिक्स नंबर आपको होमवर्क. हो सकता है फिफ्थ नंबर में भी आपको प्रॉब्लम हो, है ना.
बाकी जो बच्चे कर लेंगे उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्या लिखा है बेटा फिफ्थ नंबर में? फिफ्थ नंबर में लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15, है ना, टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा है। चलो भाई देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको भी कैसे करना है, ठीक है। तो पहले इसको क्या बदलिए, इक्वेशन, यानी टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15, बट प्लस और माइनस के साथ, प्लस और माइनस के साथ। तो अब एक काम करते हैं, प्लस माइनस के साथ आया है, यानी टी की दो वैल्यूज हो गई, एक हो गई अंडर रूट 15 और दूसरी क्या हो गई, माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। ये आप ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि देखो अंडर रूट 15 यहां रखो, स्क्वायर करोगे तभी भी 15 ही मिलेगा, और माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर करोगे तभी भी क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है, ठीक। चलो तो यहां से बताओ a की वैल्यू बताओ इसमें कितनी है, कहोगे सर 1, b की वैल्यू, b वाला टर्म यानी t वाला दिख ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा 0, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 15, कितनी है बेटा, माइनस 15। देख लिए, यहां पर देखो t वाला टर्म नहीं है, यानी b नहीं है यहां पे, तो यानी b की वैल्यू क्या होगी यहां पे, शून्य होगी, 0, ठीक है। चलो तो अल्प वेरिफिकेशन कर लेते हैं भाई, वेरिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 15, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 15, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस 0 अपॉन में ए की वैल्यू है 1। तो बेटा प्लस माइनस ये कट गया, ये हो गया 0, 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया, 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0, वेरीफाई हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी की अल्फा इंटू बीटा कर दिया बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 15, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 15, और ए की वैल्यू कितनी बेटा, 1। चलो अब आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 करोगे तो माइनस, देखो स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल आउट, माइनस 15, ये भी कितना है बेटा, माइनस 15, देख लीजिए नीचे 1 लिखते नहीं है, वेरीफाई हो गया। तो अब हमने इतने क्वेश्चंस कर दिए, अब आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप अब जितने दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क, अब आप उसको आप आसानी से कर सकते हैं, बात समझ गए, बहुत ही आसान है ये, बशर्ते आप एक बार समझ जाओ, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस एक्सरसाइज में केवल दो ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, लेकिन उसके अंदर ही ढेर सारे क्वेश्चंस थे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो करना है उसके लिए सिंपल सी बात है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब आपको अभी तक आप क्या था, आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया रहता है, फिर आप अपने आप उसको आपने क्या किया, सॉल्व किया, फिर अब क्या किया, जीरोज निकाला। अब आपको जीरोज देगा और क्या निकालना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बात समझ पा रहे हो। मैंने क्या बोला कि पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देता था, जैसे अभी दिया था, फिर आप उसको सॉल्व करके जीरोज निकालते थे। अब उल्टा बोलेगा प्रोसेस कि आपको क्या देगा, जीरोज देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, बताओ भाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं, मान लीजिए कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं इसका। मान लीजिए अल्फा एंड लेट, ऐसे करके लिखो, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विल बी
क्या होगा बच्चों? तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला अगर आपको क्या दे दे बच्चों, अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर लगाओगे माइनस और इन दोनों जीरोज को क्या करोगे, ऐड कर दोगे और बगल में क्या लगा दोगे, एक्स मल्टीप्लीकेशन में, और फिर प्लस करके इन दोनों क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू जीरो। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। बात समझ गए अच्छे से? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट से करना होता है। तो आइए हम एक आपको करके दिखाते हैं, बाकी के जो सारे क्वेश्चंस होंगे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? देखिए, जैसे आपका सेकंड का फर्स्ट ही दिया रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सेकंड का फर्स्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। बोल रखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच गिवन द नंबर्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज 1/4 and -1 1/4 and -1। तो बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा, ध्यान रखना ये अल्फा और बीटा नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर ये बोला है साफ साफ बुक में कि ये अल्फा और बीटा नहीं है, ये सम ऑफ जीरोज हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -1। तो बताइए क्या है? तो आपका आसान हो गया, ये तो दिया है, ये भी दे रखा है। तो देयरफोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे बच्चा, कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 = 0, है ना? कहोगे सर ये अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। जब बेटा एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो अब देखो क्या कहानी क्या हो जाएगी। नीचे एलसीएम क्या हो गया बेटा, 4। क्या हो गया एलसीएम, 4। तो 4 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x2। क्या होगा बेटा, 4x2 माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट x, और यहाँ हो जाएगा कितना, -4 इक्वल्स टू जीरो, ये जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4x2 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो आपका परम शुद्ध आंसर जो है यही है। क्या है बच्चों, परम शुद्ध आंसर यही है। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से एक ax2 यानी जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्मेट में मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है, एलसीएम लेकर के। क्लियर है बात? ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो गया यहाँ पे, समझ गया ना अच्छे से। अब 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 times जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 4 1 जा 4 यहाँ बना है, एलसीएम लेना, आई होप सबको आता होगा, समझ गए बच्चों? तो अब मैंने इसका दूसरे का पहला आपको समझा दिया, इस तरीके से करना है। अब क्या करिएगा आप, जितने क्वेश्चन है सेकंड के, शायद आई थिंक 3-4 क्वेश्चन और हैं इसी सेकंड के ही, पहला करा दिया, 3 और बचे हैं, 3 या 4, उनको आपको करना है, होमवर्क है आपका, ठीक है? और इसके पहले वाले का 2, यानी कि 5-6 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, करके आएंगे। जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, मिलते हैं कल, कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है बच्चों? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।